कंदमूलई। और जो गिरिराज जी की दिव्य कंदराएं हैं, उन गिरिराज जी की दिव्य कंदराओं में प्रिया प्रियतम का दिव्य मिलन भी घटित होता है। और आचार्य ने तो टीका की है, जो गिरिराज जी की तरेटी हैं, जो कंदराएं हैं, वातानुकूलित हैं, शीत ऋतु में गर्म हो जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु में परम शीतल हो जाती हैं और सुख प्रदान करती हैं। तो श्री गिरिराज जी के दो प्रकार के शिखर हैं, कभी दर्शन ध्यान से करें तो श्याम शिखर भी हैं और धवल शिखर भी हैं। और आज भी कितने कितने संतों के यहाँ गिरिराज जी की सेवा है, अनेक बार आँखों से दर्शन किया कि गिरिराज जी की सेवा करते करते स्वयं गिरिराज जी के ऊपर युगल सरकार का रूप उभर आता है। अनेक जगह ऐसे शिलाखंड का दर्शन किया, गिरिराज जी का दर्शन किया, स्वतः सेवा करते करते गिरिराज जी में युगल की छवि। और नहीं तो ऐसा दर्शन तो प्राय होता है कि गिरिराज जी की शिला आधी श्याम और आधी गौर। ये श्याम गौर कौन है? बोले गिरिराज जी के रूप में भी युगल सरकार ही भगवत भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। श्री कृष्ण प्रेम का द्रवीभूत रूप यमुना जी हैं और श्री कृष्ण प्रेम का घनीभूत रूप श्री गिरिराज जी हैं। तो सात दिन और सात रात श्री गिरिराज जी को क्यों धारण किया, सात ही दिन क्यों? मानो प्रभु हमसे कुछ कहना चाहते हैं, बोले तुम मेरी शरण में आ जाओ, पर एक बार गिरिराज जी के नीचे आ जाओ, एक बार श्री जी के चरणों की शरणागति ले लो, श्री राधा रानी की वाम भुजा से मैंने गिरिराज उठाए हैं, एक बार गिरिराज जी के नीचे आ जाओ, फिर दुख की, विपत्ति की, त्रिताप की, ग्रहों की मार की, ये इंद्र रूपी वर्षा से सदा सदा के लिए मैं तुमको बचा लूंगा, पर आकर के आश्रय ग्रहण करना होगा श्री गिरिराज जी का। तो प्रभु ने सात दिन सात रात तक गिरिराज धारण किए हैं। संतों ने गाया है, एक बार मन तू आ जा गिरिराज की शरण में, एक बार मन तू आ जा गिरिराज की शरण में, एक बार मन तू आ जा गिरिराज की शरण में, एक बार मन तू आ जा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गोविंद की शरण में, गिरिराज की शरण में, गोविंद की शरण में, गिरिराज की शरण में, गोविंद की शरण में, एक बार मन तू आ जा गिरिराज की शरण में, एक बार गिरिराज की शरण में, श्री राधा नाम गाजा गिरिराज की शरण में, राधा नाम गाजा गिरिराज की शरण में, श्री राधा नाम गाजा गिरिराज की शरण में, श्री राधा नाम गाजा गिरिराज की शरण में, एक बार मन तू आ जा गिरिराज की शरण में, एक बार मन तू आ जा गिरिराज की शरण में।
अपनी व्यथा सुना जा गिरिराज की शरण में, मन की व्यथा सुना जा गिरिराज की शरण में, अपनी व्यथा सुना जा गिरिराज की शरण में, अपनी व्यथा सुना जा गिरिराज की शरण में, बार मन तुआ जा गिरिराज की शरण में, एक बार मन तुआ जा गिरिराज की शरण में, एक बार मन तुआ जा गिरिराज की शरण में, एक बार मन तुआ जा गिरिराज की शरण में, आँखों से जल बहा जा गिरिराज की शरण में, आँखों से जल बहा जा गिरिराज की शरण में, आँखों से जल बहा जा गिरिराज की शरण में, आँखों से जल बहा जा गिरिराज की शरण में, बार मन तुआ जा गिरिराज की शरण में, एक बार मन तुआ जा गिरिराज की शरण में, गोविंद की शरण में, गोविंद की शरण में, गौरांग की शरण में, गोपाल की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, आनंद हो गया। तो वस्तुतः श्री गिरिराज जी को भी श्री राधा रानी ने ही उठाया है, तो श्री गिरिराज लीला में भी श्री राधा रानी की महिमा का दर्शन हो रहा है, और उसके पश्चात फिर रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी तो संपूर्ण रूप से राधा तत्व और राधा प्रेम से ही भरी भई है, और वास्तव